सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं पेनक्रियाज के बारे में कि आखिरकार पेनक्रियाज क्या होता है। अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज चल रही है, उसके अंदर अपना लेक्चर नंबर 11 है ये, जिसमें अपन बात कर रहे हैं पेनक्रियाज। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही वीडियोज आपको चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, बात कर लेते हैं आखिरकार पेनक्रियाज क्या है। तो पेनक्रियाज क्या है, एक डाइजेस्टिव मेन क्या है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। क्या है, एक मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ से साथ साथ में ये क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है ये, और साथ में क्या है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। इसलिए जो पेनक्रियाज है इसको बोला जाता है या तो मिक्स ग्लैंड बोला जाता है, या इसको क्या बोला जाता है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मिक्स ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह भी, मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह भी अपना क्या करती है, व्यवहार प्रदर्शित करती है, और साथ में क्या है, ये एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि एडल्ट्स के अंदर इसकी साइज कितनी होती है, कितनी बड़ी होती है। तो ये कितनी होती है, मतलब 12 से लेके 15 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। कितनी होती है, 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितनी होती है, 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। साथ में इसकी लोकेशन की बात करें कि आखिरकार ये प्रेजेंट कहां होती है, तो ये क्या होती है, अपना जो स्टमक होता है, स्टमक के पास में क्या होती है, प्रेजेंट होती है कहां, जो अपना स्टमक है, इसके अपना स्टमक क्या है, यहां पर प्रेजेंट है। स्टमक के जस्ट पीछे की साइड में प्रेजेंट रहती है, मतलब आगे स्टमक आ गया, देखिए ये आगे स्टमक आ गया, पीछे क्या रहती है, ये प्रेजेंट रहती है। और पास में बात करें कि किसके पास में, किसके नजदीक रहती है, तो ये अपनी जो स्प्लीन होती है इसके जस्ट पास में क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो बिहाइंड द स्टमक टू लेफ्ट अपर साइड क्या होती है, लेफ्ट में प्रेजेंट रहेगी, और कहां रहेगी, जो अपनी एब्डोमेन कैविटी है उसके जस्ट लेफ्ट एब्डोमेन में क्या रहेगी, लेफ्ट प्रेजेंट रहेगी। ये अपना स्टमक है, इसके जस्ट पीछे की ओर इसके पास में जस्ट प्रेजेंट रहेगी, किसके पास में, जो स्प्लीन होती है उसके पास में प्रेजेंट रहती है। ये लोकेशन हो गई आपकी किसकी, पेनक्रियास की। पेनक्रियास के कलर की बात करेंगे, दिखने में कैसा होता है, तो लाइट टैन एंड पिंकिश होता है। ये कैसा होता है, दिखने में थोड़ा सा हल्का भूरा और पिंक कलर का आपको क्या हो सकता है, ये नजर आ सकता है। साथ में इसकी वेट की बात करेंगे, इसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन होता है 80 से लेके 85 ग्राम तक क्या होता है, इसका वजन होता है। शेप की बात करें तो आपको देखने में पता चले कैसे लीफ के जैसे क्या है देखने को मिले। कई बुक्स में आपको इसकी शेप है वो इनरेगुलर भी देखने को मिलेगी, तो देखने में क्या है, इनरेगुलर ही है, कैसी है, लेकिन ये एक क्या है, लीफ की तरह भी है, इसलिए ज्यादातर उसमें आपको इसकी साइज है वो लीफ के जैसी देखने को मिल जाएगी। अब अपन थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि आखिरकार पेनक्रियास कैसे दिखेगा। देखिए ये है आपके मेन पेनक्रियास की स्ट्रक्चर। यदि पेनक्रियास की अपन बात करें तो पेनक्रियास की ये वाली जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है आपकी डडनम है। क्या है आपकी डडनम है, जिसको ये क्या है आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका क्या होता है, फर्स्ट नंबर का पार्ट होता है, जहां से क्या होता है आपका पेनक्रियास होता है ये स्टार्ट होता है। तो देखिए यहां ऊपर से क्या आ रहा है, ये ऊपर यहां पर क्या प्रेजेंट रहेगा आपका, जैसे कि अपन बात करें क्या है आपका लीवर प्रेजेंट है, ये क्या है लीवर, ये आपका क्या है लीवर है। और लीवर में अभी अपन ने बात की थी जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि ये तो क्या है राइट लीवर है, ये क्या है मतलब ना लीवर के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एक तो राइट लोब्यूल एक लेफ्ट लोब्यूल, और बीच में इन दोनों को जो पार्ट है वो सेपरेट करता है, अलग करता है, इसको बोलते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये अपन लीवर के अंदर पढ़ चुके हैं, तो आपने लीवर वाली वीडियो देख ली होगी, नहीं भी आपको नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आपको लीवर के बारे में नॉलेज है। ओके आगे अपन बात कर लेते हैं कि ये क्या है अपना पेनक्रियास है, ये क्या है कॉमन बाइल डक्ट, मतलब ये जो राइट जो अपना लोब्यूल होता है, लेफ्ट लोब्यूल होता है किसका, लीवर का, इन दोनों से क्या होती है एक डक्ट निकलती है। तो ये तो क्या होगी लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, और ये वाले क्या होगी राइट हिपेटिक डक्ट, दोनों आगे जाके निकली, इसको क्या बोलते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट बोला जाता है। यहां से जो आपका क्या है गॉल ब्लैडर रहता है, तो गोल ब्लेडर से भी एक डक्ट निकलती है जिसको बोला जाता है सिस्टिक डक्ट बोला जाता है। ये जो सिस्टिक डक्ट है और साथ में जो आपकी कौन सी है कॉमन हिपेटिक डक्ट है, ये दोनों आगे जाके क्या बनाती है आपकी कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। तो यहां से क्या आ रहा है आपका बाइल जूस आ रहा है। अब ये क्या है आपका पेनक्रियाज है, तो यहां पे बाइल जूस आ रहा है, तो यहां पे क्या रहता है एक स्पिंचर प्रेजेंट रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है जो कॉमन बाइल डक्ट है, यहां पे एक स्पिंचर प्रेजेंट रहता है जिसको बोला जाता है बॉयडन स्पिंचर बोला जाता है। वैज्ञानिक के नाम पे नाम है ये, उन्होंने खोजा था इसलिए बॉयडन स्पिंचर इसको बोला जाता है। अब ये जो लीफ आप जो लीफ देख रहे हैं, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं पेनक्रियाज की, इस पेनक्रियाज के अंदर आप देख रहे हैं पेनक्रियाज के अंदर क्या है, पेनक्रियाज को क्या बोला जाता है, अपने बोला था मिक्स ग्लैंड इसको बोला जाता है। तो इसके अंदर आपको जो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और साथ में क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी क्या करती है व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो
एक्सोक्राइन, पूरा का पूरा जो पेनक्रियास है इसका 98 से लेके 99 तक का जो पार्ट है वो क्या होता है, आपका एक्सोक्राइन पार्ट होता है। तो एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर सबसे ज्यादातर इसके अंदर क्या, आपकी पूरी की पूरी जो पेनक्रियास की स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपको ज्यादातर इस तरह की स्ट्रक्चर है ये देखने को मिलेगी। इसको बोला जाता है पेनक्रियाटिक एसिनी। क्या बोला जाता है? पेनक्रियाटिक एसिनी स्ट्रक्चर है ये आपको देखने को मिलेगी। और पेनक्रियाटिक एसिनी है यही क्या करती है, आपके पेनक्रियाटिक जूस का क्या करती है, सिक्रेशन करती है। तो पेनक्रियाटिक जूस किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, पेनक्रियाटिक एसिनी के थ्रू सिक्रेट किया जाता है। और पूरे पेनक्रियास का लगभग 98 से 99 तक का जो पार्ट होता है, परसेंट पार्ट होता है, ये क्या है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है। जबकि जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है ना, ये क्या होता है, पूरे पेनक्रियास में 1 से 2% तक का क्या होता है, पार्ट होता है। इसके अंदर क्या अलग अलग तरह की सेल्स पाई जाती है, जैसे अल्फा सेल होगी, बीटा सेल होगी, डेल्टा सेल्स होगी। इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो पेनक्रियाटिक हार्मोन है इनका क्या किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है। तो ये जो सेल्स थी ना, अल्फा, बीटा और डेल्टा, इन सेल्स को किसने खोजा था, लेगरहेंस ने खोजा था। इसलिए इन सेल्स का जो मिक्सचर है उसको बोला जाता है आइलेट्स ऑफ लेगरहेंस। क्या बोला जाता है, आइलेट्स ऑफ लेगरहेंस। तो ये चीज एक्सोक्राइन वाला, एंडोक्राइन वाला पार्ट है। इसको तो अपन जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम पर देखेंगे, आज अपन ना मेन फोकस रहेगा एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर। तो देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड वाला जो पार्ट है, अभी जो पेनक्रियाटिक एसिनी होता है ये आपके क्या रहती है, इस पेनक्रियाटिक जो डक्ट है, कौन सी, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, ये क्या है, आपकी मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है, जिसको क्या बोला जाता है, वीरसन डक्ट भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, वीरसन डक्ट। जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है इसको क्या बोला जाता है, वीरसन डक्ट भी बोला जाता है, वैज्ञानिक के नाम पे है। तो ये किससे, ये जो एक्सोक्राइन वाली, ये जो एक्सोक्राइन वाली ग्लैंड है, जो एसिनी पेनक्रियाटिक है, ये आपकी इस डक्ट से क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, और यहां से क्या होगा, आपका पेनक्रियाटिक जूस है वो आगे चला जाएगा। तो ये क्या थी, आपकी मेन पेनक्रियाटिक जूस थी। अब ये मेन पेनक्रियाटिक जूस हुई, ये आगे जाके कहां मिल रही है, यहां पे मिलेगी कहां, एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर किसको, देखिए यदि अपन साइंस की लैंग्वेज में बात करें पाइलोजिक में, तो देखिए कोई भी यदि उभरा हुआ पार्ट रहेगा ना, कोई भी यदि फूला हुआ पार्ट रहेगा, उसको साइंस की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, एम्पुला बोला जाता है। और वैसे इस पार्ट को क्या बोला जाता है, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है। इस पार्ट को क्या बोला जाता है, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्यों बोला जाता है, देखिए यहां से तो आपका क्या हो रहा है, बाइल जूस आ रहा है, हिपेटिक जूस आ रहा है, और यहां से आपका क्या आ रहा है, पेनक्रियास जूस आ रहा है। यहां से क्या आ रहा है, आपका पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है। यहां से आपका क्या आ रहा है, बाइल जूस आ रहा है। दोनों आके यहां मिक्स हो रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है, या इसको एम्पुला ऑफ वेटर बोला जाता है। दैट्स क्लियर, कंफ्यूजन दूर। ओके, आगे अपन बात करें तो ये जो पेनक्रिया, जो आपकी हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट थी, ये आगे जाके एक वोल्व द्वारा कहां खुलती है, आपके डडनम के अंदर आके जाके खुलती है। कहां ओपन होगी, डडनम के अंदर ओपन हो जाती है, जहां से क्या होगा, आपका जो हिपेटो पेनक्रियाटिक जूस होगा वो आगे यहां पे क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो यहां पे जो डक्ट प्रेजेंट रहती है उसको बोला जाता है ओडी स्पिंचर। क्या बोला जाता है, ओडी स्पिंचर। एक तरह का क्या होता है, वोल्व होता है। तो दो वोल्व प्रेजेंट होते हैं, एक तो यहां प्रेजेंट होता है, एक यहां प्रेजेंट होता है। यहां वाला जो वोल्व होता है इसको तो बोला जाता है बॉयडन स्पिंचर, और यहां पे जो वोल्व प्रेजेंट है उसको बोला जाता है ओडी स्पिंचर। ये आपकी क्या हो जाती है, डडनम हो जाती है। अब देख रही, डडनम से एक डायरेक्ट मेन जो आपको डक्ट दिख रही है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेंटोरनस डक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेंटोरनस डक्ट इसको बोला जाता है। तो इस डक्ट से भी क्या होता है, आपका जो पेनक्रियाटिक जूस है ये क्या होता है, डायरेक्ट आपके किसके अंदर आ जाता है, डडनम के वाले पार्ट में आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में आ जाता है। दैट्स क्लियर। तो ये वाला डायग्राम अपन लास्ट लेक्चर जो जब अपन ने लीवर पढ़ा था तब अपन ने डिटेल में इस डायग्राम को देख लिया था, फिर भी आप देख लीजिए। जो राइट एंड जो लेफ्ट वाले लोब्यूल होते हैं इन दोनों में क्या होती है, राइट मतलब लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, और ये क्या हो गया आपकी राइट हिपेटिक डक्ट। ये दोनों आके जाके मिलके मिलेगी, क्या मिलेगी, कोमल हिपेटिक डक्ट बना देगी। और यहां से गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रही है इसको सिस्टिक डक्ट बोला जाता है, और ये दोनों के दोनों आगे जाके मिक्स हो जाएगी, तो कॉमन बाइल डक्ट इसको बोला जाता है। कॉमन बाइल डक्ट जब आगे जाके जो आपके इस वाले पार्ट से मिलेगी, तो यहां पे एक स्पिंचर प्रेजेंट रहेगा, इस स्पिंचर को बोला जाता है बॉयडन स्पिंचर। दैट्स क्लियर। यहां से आपका पेनक्रियाटिक जूस आता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है। अब यहां से तो क्या आ रहा है, पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है, बाइल जूस आ रहा है। तो दोनों जिस जगह पे मिलेंगे उस डक्ट को क्या बोला जाता है, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है। और हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट आगे जाके जब ओपन होती है डडनम में, तो वहां पे एक वॉल, एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है ओडी स्पिंचर। दैट्स क्लियर। ओके, आगे अपन बात कर लेते हैं पेनक्रियाटिक जूस की। तो पेनक्रियाटिक जूस कौन कौन सा हो गया आपका, एक तो ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, ये सब क्या है आपके पेनक्रियाटिक जूस आ जाते हैं। फिर पेनक्रियाटिक जूस के कंपोजिशन की बात करें कि पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या चीज है वो आपको देखने को मिल सकती है, या कितना ये सिक्रेट होता है। तो डेली कितना सिक्रेशन होता है पेनक्रियाटिक जूस,
एक से लेकर 1.5 लीटर तक क्या होता है, ये इसका सिक्रेशन किया जाता है। इसकी पीएच कितनी होती है, 7.5 से लेकर 8.3 तक इसकी पीएच होती है। इसके अंदर वाटर होता है, वो 98% वाटर होता है। इसके अलावा जो साल्ट की बात करें तो साल्ट इसमें कितने होते हैं, 2% तक इसमें सॉल्ट है वो प्रेजेंट रहते हैं। दैट्स क्लियर। इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां सिर्फ अपन ने समझा है कि आखिरकार पेनक्रियास होता क्या है, किस तरह से ये फंक्शन करता है। दैट्स क्लियर। ओके, अब आपको बता देते हैं कि आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल ही रहे हैं, बराबर जितने भी वीडियोस बना रखे हैं सबके नोट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।